जी नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? राजेंद्र भगत। कहाँ से हो? आगरा से। तो यहाँ की जानकारी कैसे मिली निपानी तुम्हें? दरअसल हम भी बोमो फार्मिंग एंटरप्रेन्योर हैं। हाँ। तो एक ही फील्ड है काम करते हैं, तो पता लगा कि राजशेखर पाटिल जी भी कई काफी समय से काम कर रहे हैं और काफी फेमस भी हैं, और देखते हैं कि उनका YouTube पर फॉलोअर्स भी लाखों की संख्या में है, तो लगा क्यों नहीं मिला जाए, तो बस आगरा से मिलने के लिए निपानी आ गए हम। तुम ड्राइविंग कितने किलोमीटर करके आए खुद? सर ये मत पूछिएगा, ये तो हमारा बंबू, हम चाहते हैं कि हम फार्मर्स के लिए काम करें, फार्मर्स को हेल्दी और वेल्दी बनाएं। हम और हमारे साथ में है, हम लोग लगभग आप मानिएगा कि 48 आवर हम लोगों ने जर्नी की है। 48 आवर में आगरा से निपानी आई थिंक 1600-1800 किलोमीटर के करीब होगा और हम लोग आए। तो यहाँ इतने दूर ड्राइविंग करके आए, सेटिस्फाइड हुए क्या? नहीं। हाँ क्यों नहीं, जब हमारा फील्ड लेके हम काम ही एक ही कर रहे हैं। नहीं, यहाँ जो देखने को मिला वो क्या है, उसमें सच्चाई है? अच्छा अच्छा, काफी अच्छा है। आपका आपका जो फॉरेस्ट आपने बनाया वो भी अच्छा है, जो आपको प्लांट्स तैयार कर रहे हैं वो भी अच्छा है, क्लस्टर दे रहे हैं वो भी अच्छा है, काफी अच्छा है। तो और हम जो वैरायटी कस्टमर्स अपने जो किसानों को दे रहे हैं उसमें से कुछ लगा कि आपके और अच्छा कुछ वैरायटी मोसो है और बल्गेरिस है, ये भी काफी अच्छी है जो हम अभी तक दे रहे थे। टोल्ला दे रहे थे, बम्बूसा दे रहे थे और हेमिल्टोनाई दे रहे थे, उसके साथ साथ हम मोसो और बल्गेरिस न्यूटन्स बल्गेरिस। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, किसान भाइयों के लिए क्या संदेश देना चाहते? किसान भाइयों के लिए संदेश है कि बहुत बड़ा फ्यूचर है। आप ट्रेडिशनल जो अभी तक गेहूँ, हमारा बेसिकली जो हमारा रीजन है वहाँ पर गेहूँ आलू इस तरीके के बहुत रहते हैं, उसमें खर्चा बहुत होता है और प्रॉफिट किसानों को बहुत कम होता है। हम कहना चाह रहे हैं कि आप हमारे साथ आइए और बेम्बू को अपनाइए। अगर आपने एक बार बेम्बू से 3 साल निकाल लिए ना, कैसी थोड़ा सा एडजस्ट करके, 3 साल बाद आप भूल जाओगे दूसरा खेती करना। आपके पास जितना जमीन होगा ना, प्रॉमिस है कि आप सारे में बेम्बू करना शुरू कर दोगे। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं राजशेखर पाटिल, और कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं, थैंक यू। ओके, थैंक यू। 3 साल बाद मिलते हैं। अच्छा, ओके, थैंक यू।